वेलकम स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग। मैं सैम अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमारी आज की जो वीडियो है, यह है क्लास ट्वेल्थ की फ्लेमिंगो की बुक से, जो प्रो सेक्शन चैप्टर नंबर फिफ्थ, जिसका नाम है इंडिगो, रिटन बाय लुइस फिशर। लुइस फिशर जो है वो US बॉर्न था। 1942 में वो 2 मंथ्स के लिए इंडिया में आए, जिनमें उन्होंने 1 वीक जो है महात्मा गांधी जी के साथ उनके आश्रम में बिताया। और महात्मा गांधी जी डेली अपनी लाइफ का 1 आवर उनको जो है डे का दिया करते थे। और जो इन्फॉर्मेशन महात्मा गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट के बारे में लुइस को बताई, उसके बेस पे उन्होंने एक पूरा चैप्टर लिख डाला, जिसका नाम है इंडिगो, जो हमारी अभी क्लास ट्वेल्थ में हमें आया है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो सबसे पहले हम इंडिगो के बारे में थोड़ी सी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे। वैसे ये जो है आपके लिए न्यू नहीं है, क्योंकि आपने क्लास 9th हिस्ट्री में भी इंडिगो के बारे में पढ़ा है, क्लास 12th में भी पढ़ा है, बट इसमें थोड़े से न्यू नेम्स आए हैं इस चैप्टर में जो हमारे लिए अभी पढ़ना जरूरी है। तो इंडिगो को बोलते हैं हिंदी में नील। ये एक क्रॉप या पौधे के रूप में हम बोल सकते हैं कि उगाया जाता था, और पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो इंडिया की इंडिगो है वो डोमिनेंट थी, क्योंकि बाकी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में जो है इंडिया जैसी नील नहीं प्रोड्यूस करी जाती थी। इसीलिए जो हमारे तब जो ओनर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, और अंग्रेजों को इस चीज़ से काफ़ी फायदा था। वो इंडिया से ये प्रोड्यूस करा के बाहर कंट्रीज को सप्लाई किया करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे। तो इनके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ के जो गरीब किसान थे उनसे एक एग्रीमेंट किया हुआ था, और ये सारी जमीन जो है उनके जो मालिक जो ऑन थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग ये समझौता करा हुआ था कि जो इंडियन जो गरीब किसान है वो क्या करेंगे कि अपनी जो जमीन के 15% हिस्से पे इंडिगो उगाएंगे, और वो पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन होगी वो एज अ रेंट वो किनको दे दिया करेंगे, अंग्रेजों को दे दिया करेंगे। तो जब 20th सेंचुरी आती है, तो जो जर्मन था उन्होंने सिंथेटिक जो इंडिगो को प्रोड्यूस कर लिया, और अभी जो इसका एक्सपोर्ट था, यानी जो जर्मन था वो इन जो आर्टिफिशियल डुप्लीकेट जो उन्होंने ये सिंथेटिक डाई जो प्रोड्यूस कर ली थी वो चीपर रेट पे पूरे वर्ल्ड मार्केट में वो सप्लाई कर रहा था। तो अभी वो इनके जो इंडिगो नील थे इनका कुछ काम रह नहीं गया था, तो इसलिए अंग्रेजों ने अभी ये सोचा कि हमें इसका कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने पुराने एग्रीमेंट से जो इंडियन किसानों को, गरीब किसानों को रिलीज करने के लिए कुछ डिमांड करने लगे पैसे की, जो बिल्कुल अनजस्टिस था। तो चलिए अब हम आपका जो करेक्टर है वो स्टार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग करेक्टर्स। नंबर 1 पे है सेल्फ गांधी जी, नंबर 2 पे है राजकुमार शुक्ला जी, नंबर 3 पे है वाइफ ऑफ गांधी जी जिनका नाम था कस्तूरी बाई, नंबर 4th पे है जो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे जिनका नाम था देवदास, नंबर 5th पे है कुछ लॉयर्स के नाम हैं जिनमें है राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रिजकिशोर जी, मौलाना हक एंड मैनी अदर्स। उसके बाद थे प्रोफेसर मलकानी एंड जेबी कृपलानी। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। तो हम जो है, तो ये जो चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने पहले भी देख लिया है कि गांधी जी ये सारी डिटेल जो लुइस फिशर को बताते हैं कि किस तरीके से गरीब किसान जो है वो गांधी जी के पास आए थे, और गांधी जी उस मूवमेंट में अपेट हुए और उसको जीता। तो ये हम पॉइंट वाइज देखेंगे सारा एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं कि गांधी जी जो लुइस को बताते हैं कि वो 1916 दिसंबर में एक जो कांग्रेस के नेशनल जो कन्वेंशन था उसमें लखनऊ में थे, और तभी उनके पास राजकुमार शुक्ला जो क्या थे, एक पुअर शेयर क्रोपर थे। शेयर क्रोपर क्या होता है कि जो एक एग्रीमेंट के दौरान जो अपनी जमीन से कुछ हिस्सा जो उगाते हैं वो किसको दे देते हैं, अपने लैंडलॉर्ड को। तो ये वही शेयर क्रोपर थे। और ये कैसे थे, राजकुमार शुक्ला क्या थे, एक पुअर शेयर क्रोपर जो गांधी जी से मिलना चाहते थे, किसके लिए, जो कंप्लेन अबाउट द लैंडलॉर्ड सिस्टम जो कहाँ पे था, चंपारण में। तो वो गांधी जी को क्या बताता था, गांधी जी बताते हैं कि वो उन दिनों में बहुत बिजी थे, तो जो राजकुमार थे वो उनको हारी सारी जितनी, वो गांधी जी जहाँ जहाँ जाते गए तो शुक्ला जी उनके साथ उनके पीछे पीछे गए। तो वो जो गांधी जी को तब क्या पता चलता है कि राजकुमार शुक्ला बताते हैं कि शेयर्ड विद गांधी जी द मिसरीज ऑफ द पीपल ऑफ द चंपारण, की जो चंपारण के जो लोग हैं उनके क्या दुख है वो गांधी जी को बताते हैं इसके बारे में। सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि जो लार्ज इंडियन स्टेट्स थी वर ऑन्ड बाय द ब्रिटिशर, यानी इंडिया में जो जो जमीनें थी वो किसके अंडर थी, ब्रिटिशर अंग्रेजों के अंडर, और उन्होंने ये कंपल्सन करके रखा हुआ था, हैड पुट अ कंपल्सन ऑन द इंडियन टेनेंट्स टू ग्रो इंडिगो इन 15%
लैंड यानी वो 15% हिस्से पे वो जमीन जो इंडिगो उगाएंगे और वो सारी की सारी वो किसको दे देंगे, ब्रिटिशर्स को दे देंगे। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, सॉरी थर्ड पॉइंट, कि जिसमें उस जो 15% हिस्से से जो फार्मर्स थे उनको कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये फोर्थ पॉइंट की जो सारी इंडिगो जो प्रोड्यूस होती थी वो उसको एज अ रेंट ले लिया जाता था जमीन का। तो उसके बाद वो साथ में ही बताते हैं कि ही टर्म द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन द बिहार, और जो क्या ही अनजस्ट है, और वो चाहते हैं कि गांधी जी उनके जो है गरीब किसान जो है उनकी हेल्प करें। तो फिर ये देखेंगे कि गांधी जी उनके साथ जो फिक्स कर लेते हैं क्या शेड्यूल को, और देखेंगे कि गांधी जी जो बहुत इंप्रेस्ड हुए और उन्होंने उनके साथ डेट फिक्स कर ली और उनको बताया कि वो सच एंड सच डेट को कोलकाता में होंगे, तो वहां पे आके वो उनको मिले। तो अभी सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम कि मंथ्स पास यानी कुछ महीने जो बीत गए हैं, तो जो फिर गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं कोलकाता में, तो राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी को वहाँ पे मिलते हैं और गांधी जी को वो बिहार के लिए ले जाते हैं। तो पॉइंट थर्ड में हम देखेंगे कि जो शुक्ला है वो गांधी जी को कहाँ लेके जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में, जो उस टाइम अपने घर पे नहीं थे, पर उनके जो कुछ नौकर्स थे उन्होंने गांधी जी को बाहर सोने के लिए बोल दिया, क्योंकि उनको समझ लिया कि ये अशुद्ध है। जो उस टाइम इंडिया में बहुत भयंकर जो परंपरा थी, और वो गांधी जी को मना कर देते हैं कि आप कुएं में से पानी भी नहीं भरेंगे, क्योंकि गांधी जी देखने में क्या लगते थे, सिंपल थे। अब देखेंगे पॉइंट फोर्थ, तो पॉइंट फोर्थ में हम देखेंगे कि गांधी जी ने सबसे पहले क्या फैसला किया कि वो मुजफ्फरनगर जाएंगे, क्यों जाएंगे। सेकंड लाइन देखेंगे, फर्स्ट टू गेट डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चंपारण शेयरक्रॉपर्स। तो जानी उन्होंने कुछ जो इंफॉर्मेशन जो है वो शुक्ला जी से ली थी, बट अब वो कुछ और जानकारी लेना चाह रहे हैं। वो उसके आगे जो पॉइंट्स हैं, गांधी जी वेंट टू मुजफ्फरनगर टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, वो वहां पे जाके काम किन से मिलते हैं, जेबी कृपलानी से, और ही स्टे टू और थ्री डेज, वो 2 या 3 दिन रुकते हैं किनके घर में, इन द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी जो गवर्नमेंट टीचर थे। तो तब ये जो बड़ी बड़ी बात थी वहां पे रुकना, क्योंकि ये देखेंगे कि इट वॉज एन आना था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकॉज मलकानी जो क्या थे गवर्नमेंट प्रोफेसर थे और गांधी जी एडवोकेट, गांधी जी किसकी बात कर रहे थे, होम रूल, होम रूल मीन्स कि अपने स्वराज की। तो ये क्या हो जाता था कि एक गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है या कोई कर्मचारी है उनके घर में जो कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो उनके घर में रुकना बहुत बड़ी बात थी। तो ये क्या लिखा हुआ है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उसके बाद न्यूज ऑफ गांधी जी हेल्प स्प्रेड, तो उसी इलाके में सारे ये खबर फैल गई कि महात्मा गांधी उनकी हेल्प करने आए हैं। तो जो इंडियंस थे वो ये भी डरते थे कि वो किस तरीके से उनको जो है होम रूल जो है उनको अपनी सिमती शो कर दें। और नंबर 3 पे देखेंगे कि जब न्यूज़ वहाँ पे फैल जाती है तो बहुत सारे लोग जो शेयर क्रोपर्स थे वो बड़ी संख्या में गांधी जी को मिलने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। तो उसके बाद जो है जो लॉयर्स थे वो उनको ब्रीफ्ड, गांधी जी ब्रीफ्ड मीन वो उनको इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, केस के बारे में। उसके बाद जो गांधी जी हैं वो लॉयर्स को डांटते भी हैं, क्यों डांटते हैं, कलेक्टिंग लार्ज फीस। तो जानी जो एडवोकेट थे वो काफ़ी क्या लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो फीस कलेक्ट करते, तो गांधी जी ने उनको क्यों डांटा, क्योंकि एक तो वैसे ही उनकी जो शेयर क्रोपर्स हैं उनकी इनकम नहीं है और वो उनके केस लड़ने के लिए वो ज़्यादा फीस ले रहे हैं, इसलिए गांधी जी ने उनको डांटा। उसके बाद क्या है, गांधी जी डिसाइडेड टू फ्री द पुअर फार्मर्स फ्रॉम द फेयर। तो जो गांधी जी थे वो क्या फैसला किया कि सबसे पहले हमने जो किसान गरीब किसान है उनको डर से मुक्त कराना। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन गांधी जी ने जो वहाँ से मिली है तो वो ये थी, हमने पहले भी देख लिया है कि जो लैंडलॉर्ड थे वो इंडिगो का कोई भी प्रोड्यूस जो अभी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि अभी सिंथेटिक जो इंडिगो वो आ गई है और ये नेचुरल क्रॉप से ज़्यादा क्या थी, चीप थी। उसके बाद जो थे ये सेकंड पॉइंट ध्यान से देखना आप, द लैंडलॉर्ड्स लीज देम कौन, जो पेजेंट्स थे उनको लीज करने के लिए फ्रॉम एनिशियंट एग्रीमेंट बट चार्ज्ड कंपेंसेशन फॉर इट, यानी वो भी पुराने एग्रीमेंट से उनको लीज करवाने के लिए जो गरीबों को उनसे और पैसा मांग रहे थे। और थर्ड पॉइंट देखेंगे कि कुछ जो गरीब किसान थे उन्होंने साइन तो कर दिए बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया। तो व्हेन द न्यूज ऑफ सिंथेटिक इंडिगो रीच द पीसेंट द वांटेड देयर मनी बैक, तो अभी वो उनको पैसा वो चाह रहे थे। उसके आगे फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, तो जो गांधी जी सबसे पहले वो किससे मिलने जाते हैं, फर्स्ट विजिटेड सेक्रेटरी
ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, तो क्लियर हो गया ना आपको। सबसे पहले गांधी जी किसको मिलते हैं, जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन थी अंग्रेजों ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की। तो गांधी जी जब वह चंपारण में पहुंचते हैं, बट जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का जो था ऑफिशियल, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया हेल्प करने से। और गांधी जी विद द ऑफ हेल्प ऑफ सेवरल लॉयर्स कंटिन्यूड इन्वेस्टिगेशन, बट फिर भी जो गांधी जी थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट रखी। नंबर सिक्स पे हम देखेंगे, फिर वो जो वहाँ का जो कमिश्नर था उन्होंने गांधी जी को बोल दिया कि यहाँ से आप चले जाओ। तो ये क्या है, रिपोर्ट जो है वो वहाँ पे मिलती है कि कुछ जो गांव के जो किसान हैं उनके साथ बुरा बिहेव किया जा रहा है। तो महात्मा गांधी जब उनसे मिलने के लिए लिख रहे, तो वहाँ पे उनको पुलिस सुपरिटेंडेंट ने रोक लिया गया और उनके हाथ में एक ऑफिशियल नोटिस देख लिया गया दे दिया गया जिसमें लिखा हो टू क्विट चंपारण, सेकेंड पॉइंट कि आप चंपारण को छोड़कर अभी चले जाएं। गांधी जी ने वो नोटिस ले तो लिया और उस पर साइन भी कर दिया और साथ में मना भी कर दिया, जाने वो ऑर्डर को डिसओबीड कर दिया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद गांधी जी को समझ आते हैं कहाँ पे कि आप कोर्ट में नेक्स्ट डे जो है वो वहाँ पे आएंगे। तो वो कहाँ पे था, मोतिहारी विद द प्लेजेंट जो है स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन। तो वहाँ पे जो मोतिहारी जो कोर्ट जिसके आगे जहाँ पे गांधी जी को बुलाया गया था, वो पूरा किनके साथ ब्लैक हो गया, जो वो वहाँ के जो गरीब किसान थे, तो वहाँ पे कौन साथ में आया, जो राजेंद्र प्रसाद भी थे, वो वहाँ पे बड़ा प्रभावफुल साबित हुए। तो यहाँ पे देखेंगे कि पीसेंट्स केम इन थाउजेंड्स एंड ब्रिटिशर हैड टू टेक गांधी जी हेल्प टू रेगुलेट द क्राउड। वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई कि जो अंग्रेज थे उनको गांधी जी की हेल्प लेनी पड़ी कि इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। फिर वहाँ पे गांधी जी जो अपना रीजन बताते हैं कि उन्होंने ये डिसओबीडियंस वो क्यों किया, तो ये गांधी जी की स्टेटमेंट आप देखेंगे। गांधी जी ने क्या बोला, ही ओबेड द वॉइस ऑफ कॉन्शियस, यानी उन्होंने अपनी आत्मा की यहाँ पे आवाज़ सुनी है। फिर गांधी जी उनको रिमाइंड करवाते हैं जो इनजस्टिस कहाँ किनके साथ हो रहा है, शेयर क्रॉपर के साथ हो रहा है। और फिर वो वहाँ पे ये देखते हैं कि उनका कोई इरादा ये नहीं था कि वो जो डिसरिस्पेक्ट करे लॉ की, बट उनके लिए ग्रेट क्या था कि उनकी अपनी जो कॉन्शियस की आवाज़ सुनी और अपनी जो नेशनल जो सर्विस के लिए उन्होंने ये सारा किया। तो तभी जो कुछ जो लॉयर्स वहाँ पे आते हैं वो है राजेंद्र कुमार प्रसाद, ब्रिज किशोर मौलाना जो है, और उसके साथ बहुत सारे अदर जो बिहार से थे जो वकील। तो गांधी जी वो बोलते हैं कि अगर आपको जो है, गांधी जी को बोला जाता है कि अगर, गांधी जी बोलते हैं कि अगर मुझे जो है वो जेल में डाल दिया जाता तो आप क्या करेंगे, जो वकील है वो क्या करेंगे। तो वो कर बोलते हैं कि हम आपके साथ जो जेल तक आपको फॉलो करेंगे। तो तभी गांधी जी कुछ एक सरप्राइज जो स्टेटमेंट देखे हैं देखते हैं कि जो बैटल ऑफ चंपारण है ना वो हमने जीत ली है। तो तभी जो है गांधी जी को एक नोटिस मिलता है जिसमें यह होता है कि उनके अगेंस्ट जो केस था वो उसको ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि पहले भी उनको जो कोर्ट में थे तो बिना बेल के और बिना किसी पैसे के उनको जज ने जो रिलीज कर दिया था। तो ये देखते हैं कि फर्स्ट टाइम था जब इंडिया में जो सिविल जो डिसओबीडियंस मूवमेंट थी वो फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल हुई अंग्रेजों के खिलाफ। तो अभी देखते हैं कि गांधी जी लॉयर्स कंडक्ट वास्ट इंक्वायरी, तो वहां पे एक वास्ट इंक्वायरी जो वो कंडक्ट करी जाती है जिसमें जो है गांधी जी प्रोसीडर टू गैदर टेस्टिमोनियल्स अबाउट द ग्रीवेंस फार्मर्स। तो वहां पे जो जितने उनके प्रूफ्स होते हैं जिसमें जो गरीब किसानों के अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन पे एक इंक्वायरी बैठती है जिसमें द लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था उन्होंने एक कमीशन को अपॉइंट करते हैं इसके लिए कि देखो ये क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे लैंडलॉर्ड सिस्टम में। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी जो थे वो उनके रिप्रेजेंट फार्मर्स के बने, और उन पे वहां पे जब जो टेबल टॉक होती है तो जो इसमें हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो हार जाते हैं डिफीटेड। तो व्हेन हेल्प्स ऑफ एविडेंस जब वो कलेक्ट किए जाते हैं उनके खिलाफ, तो जो लैंडलॉर्ड थे या फिर जो हम बोलते हैं कि ब्रिटिश प्लांटर्स थे उनसे जो है फंड की डिमांड करी जाती है, तो वो तो बोलते हैं 50%। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि कितना जो प्लांटर्स थे वो बोलते हैं कि कितना पे करना, तो महात्मा गांधी ने बोल दिया कि 50% आप इनको रिटर्न करेंगे। बट जो तो प्लांटर्स उनको जो है वो 25% पे बोलते हैं, तो गांधी जी ने तब भी जो है वो ओके कर दिया क्योंकि उन जो पहली बार था कि जो ये सिस्टम वहाँ पे हारा था। तो हम देखेंगे कि ये क्या था, द विक्ट्री ऑफ द पीजेंट, वो जीते वहाँ पे जो उनको उनको उत्साहित भी किया, और उसके साथ जो लेटर ऑन द स्टेट होल्डर्स थे वो वहाँ से चले जाते हैं, और जो किनकी जीत थी पीजेंट्स की जीती, और उनको जो जमीनें जब वापस मिल जाती है। नंबर 8 पे देखेंगे कि गांधी जी ने क्या नोटिस किया वहां पे कि जो
कि सोशल जो चंपारण और जो हालात हैं उनके बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो उनकी जो स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए गांधी जी वहाँ पे टीचर्स को बुलाते हैं ताकि इनको शिक्षा दी जाए, जिनमें ये सामने नाम लिखा हुआ है महादेव है और नरहारी है। दूसरे सेवरल जो है वो बहुत सारे लोग और भी कहीं से आ जाते हैं, बॉम्बे एंड पूना से। गांधी जी की वाइफ भी वहाँ पे आती है और उनका जो यंगेस्ट सन था वो भी वहां पे आते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि सोशल कल्चरल अपलिफ्टमेंट होती है कहाँ पे, चंपारण में, किसके लिए, या तुमने देख लिया कि वहां पे ये इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे लास्ट पॉइंट देखेंगे कि चंपारण जो क्या था, एक गांधी जी का लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो गांधी जी वहाँ पे क्या एक डॉक्टर को अरेंज करते हैं वहाँ पे, जो थ्री मेडिसन्स की जो लाते हैं, नंबर एक कैस्ट्रॉल, क्विनाइन एंड सल्फर। तो ये जो वहाँ के लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए थी। उसके बाद जो गांधी जी की वाइफ थी उन्होंने लोगों को खुद बताया कि किस तरीके से जो साफ सफाई का ध्यान रखना है। उसके बाद है टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। तो जानिए ये गांधी जी का जो टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का वो कैसे, कि गांधी जी कंसिडर द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। वो कैसे, हिज लाइफ जो रेवोल्यूशनरी विजन जो थी उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है ना, क्योंकि ये उन्होंने जीत लिया था और ये बिल्कुल आम लोगों की ये स्ट्रगल था जो ब्रिटिश प्लांटर्स के अगेंस्ट जो वहां पे पूरा अनरेस्ट चल रहा था। उसके बाद दिस द एपिसोड वाज लिंक्ड विद द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीजेंट। तो ये किसके साथ जो लिंक्ड किया जाता है कि जो गरीब किसान थे उनकी जो डे टू डे यानी डेली की जो उनकी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद गांधी जी हैड लर्न दैट ही कुड नॉट बी अदर अबाउट हिज ओन कंट्री। तो यानी उनको ये भी गांधी जी ने यहाँ से सीखा कि उनको अपनी ही कंट्री में जो वो कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता है। तो उसके बाद ये छोटा सा एक पॉइंट है कि वहां पे एक चार्ल्स एनजीओ नाम के जो पैसिफिस्ट मीन्स शांतिवादी था, पैसिफिस्ट यहाँ पे शांतिवादी था, वो जो गांधी जी का क्या था, फॉलोअर्स था। तो बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को जो सजेस्ट किया कि आप इनकी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ये एक अंग्रेज है, बट गांधी जी ने ये साफ मना कर दिया कि हमने इनकी कोई भी हेल्प जो है इसमें नहीं लेनी है। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है ये एंड होता है और अभी हम देखेंगे कुछ बोर्ड क्वेश्चंस। तो ये 2015 में आए हैं। ये क्या है, बात एक ही है सारी। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ वाज गांधी जी ट्रीटेड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, उनके घर में उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये तो हमने पहले देख लिया था समरी में कि वे ये जो है उनके जो नौकर थे, सर्वेंट थे, वो महात्मा गांधी जी को भी एक गरीब किसान और अनटचेबल मान लेते हैं। उनको बाहर सोने के लिए बोल दिया जाता है, गांधी जी ग्राउंड पे सोते हैं और उसके साथ उनको कुएं में पानी भरने के लिए मना कर दिया जाता है। तो ये आगे सारे वही हैं, तीन जो है सिर्फ फॉर्म चेंज है, कोई 12 में आया है। तो ये 2015 में आया है कि वट वर द टर्म्स ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड द इंडियन पीजेंट्स। तो ये टर्म्स क्या थी कि जो इंडियन पीजेंट्स हैं वो अपनी जमीन जो उन्होंने जो ले रखी है लैंडलॉर्ड से कि 15% पे इंडिगो उगाएंगे, अपने पास कुछ भी हिस्सा नहीं रखेंगे और सारे वो है वो उनको दे देंगे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को दे देंगे। उसके आगे ये 16 और 2009 में आया है कि व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर्स ऑफर मेयर 25%। तो वो इस पे 25% पे क्यों एग्री हो जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि जो उनकी जो मान मर्यादा थी जो उनकी प्लांटर्स की वो जाती लगी, उनको जो लिए हुए पैसे जो वो वापस करने पड़े। उसके बाद है कि हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स। तो इसका आंसर आता है कि गांधी जी ने इस तरीके से उनको अपनी एक तो सेल्फलेस जो उनकी मतलब कि कुछ अपना खुद की कोई भी उनका जो स्वार्थ वा नहीं था, वो गरीब किसानों के लिए वो जेल में भी जाने के लिए तैयार हो गए। तो यही था कि जो जो वकील थे वहाँ के वो उनसे डीपली इम्प्रेस्ड हुए और वो भी साथ में तैयार हो गए कि हम भी आपके साथ जो है वो जेल में जाएंगे। तो उसके आगे कि वाई डिड गांधी जी कंसिडर फ्रीडम फ्रॉम द फेयर मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस। तो यानी जो न्यायिक जो जस्टिस है उससे मोर उन्होंने क्या माना कि जो जो हमारे गरीब किसान है उनको कैसे ये जो उनकी जो डर से उनको दूर करना वो क्यों जरूरी है। तो गांधी जी मानते थे कि जो ये लीगल जितने भी वहाँ पे कोर्ट्स हैं वो सारे अंग्रेजों के अंडर है, तो सबसे पहले वो उनका ही देखेंगे। तो सबसे पहले जो इंडियन हमारे हैं गरीब किसान हैं उनको यहाँ से जो डर से फ्री करना बहुत जरूरी है। तो ये 2017 में जो कंपार्टमेंट द्वारे जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आया है कि गांधी जी फादर ऑफ आर नेशन
इज अ ग्रेट लीडर, वैल्यूज हैव बीन एडमायर्ड बाय वन एंड ऑल। तो आपने तीन थ्री वैल्यूज बतानी है गांधी जी की जो आपने सीखी है इंडिगो से और अपने आप लाइफ में उसको जो है इंप्लीमेंट करने चाहते हैं। तो ये इसके जो आंसर है, एक तो गांधी जी का क्या है, पेट्रियटिज्म मीन्स देशभक्ति, उसके बाद स्पिरिट ऑफ सर्विस, और तीसरा जो है सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर का जो एंड होता है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक जो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।